ओके नाउ रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो हम लोग बैठो ओके। तो आप लोगों ने गूगल फॉर्म का नाम जरूर सुना होगा, सारे बच्चों ने सुना होगा। गूगल फॉर्म क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय गूगल फॉर्म, तो गूगल फॉर्म क्या होता है? इधर ध्यान दो भाई, गूगल फॉर्म क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय गूगल फॉर्म? यस कम इन। ओके गूगल फॉर्म से व्हाट यू मीन बाय गूगल फॉर्म सिस्टम करो। गूगल फॉर्म से क्या समझते हैं आप लोग, गूगल फॉर्म का डेवलपमेंट क्यों हुआ, कैसे होता है, गूगल फॉर्म होता क्या है? गूगल फॉर्म ये प्रोसेस, जैसे अगर हमको एक सर्वे करना है, लोगों से इनपुट लेना है, जैसे लोगों से इनपुट, जैसे आप कोई सर्वे फॉर्म देखते हो, जैसे आप ऑनलाइन SBI यूज करते होंगे, जब फीडबैक कर सकते हैं, जब उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो लास्ट में आता है कि यू आर सेटिस्फाइड विथ माई सर्विस और नॉट, गुड, वेरी गुड, एवरेज, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, आपको मेंशन करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके रैंकिंग के द्वारा, उस रैंकिंग के द्वारा ये हमें पता चल जाता है कि हमारा एप्लीकेशन से कितने लोग सेटिस्फाइड है, कितने लोग डिससेटिस्फाइड है, कितने लोग सेटिस्फाइड है, कितने लोग डिससेटिस्फाइड है। तो वो हुआ एप्लीकेशन। और गूगल फॉर्म को डेवलप करना बहुत आसान है, गूगल फॉर्म को डेवलप करना बहुत आसान है, संयोग से ये नहीं है जब लग जाए या उससे पहले अगर नहीं लगे तो हम ऑनलाइन करके बता देंगे। गूगल फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल क्वेश्चन ही नहीं ले सकते, क्वेश्चन आया राउंड, सर्वे राउंड, हम लोग टाइम भी सेट कर सकते हैं। वी कैन सेट आवर टाइम ऑल्सो, कि हम लोग टाइम सेट कर दिए कि फॉर्म 30 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाए, 30 मिनट के बाद इसका सेशन एक्सपायर हो जाए। तो वो तो है ही, लेकिन एज पर कंपनी रूल्स या कंपनी ने
हम लोग मैसेज को इंफॉर्मेशन को शेयर करने का ये इसको यूज करते हैं, शेयर द इंफॉर्मेशन, शेयर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं मेनली। गूगल फॉर्म जो डेवलप किया गया गूगल कंपनी के द्वारा, जैसे गूगल सूट है, गूगल सूट, गूगल सूट हम लोग बोलते हैं, गूगल सूट में जीमेल भी है, गूगल भी है और ये गूगल मैप्स, गूगल मैप भी है, मतलब एक कलेक्शन है। हैंग आउट जीमेल में हैंग आउट यूज किए हो हम लोग, ये हैंग आउट में क्या करते हैं हम लोग, वी आर ट्रांसफरिंग द मैसेजेस टू ईच अदर, हम क्या करते हैं मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में फाइल में मैसेज के फॉर्म ड्राइव भेजने का काम कर सकता है गूगल फॉर्म के तौर पे। तो गूगल फॉर्म आई थिंक सबको बनाने आता ही होगा, हमको आता है, क्लास को आता होगा, तो अगर अगर आप लोग ऑनलाइन उसके लिए सबसे पहला चीज है, प्रशांत पूछा क्या उसके लिए है कि आपका जीमेल पे अकाउंट होना जरूरी है, नहीं नहीं जीमेल पे अगर आपका अकाउंट है, अगर जीमेल पे आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्लाउड का मतलब गूगल फॉर्म डेवलप नहीं कर सकते, बहुत लोग के पास आज भी नहीं है क्या, बहुत लोग के पास आज भी बैंक अकाउंट नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी संख्या करोड़ में होगी ना कि लाख और हजार में, आज ही बहुत लोग के पास साइकिल नहीं है हिंदुस्तान में जिसकी संख्या करोड़ में होगी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, आज ही बहुत बच्चे इसी क्लास में होंगे जो पैदल आते होंगे अपने हॉस्टल से यहाँ तक, बहुत गर्ल्स भी आती होगी, तो ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज सब जगह है, रिसोर्सेज आज भी बहुत लोग के पास बहुत कुछ नहीं है, तो गूगल फॉर्म का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ कि नॉलेज को शेयर करने के लिए, नॉलेज को शेयर करने के लिए, ठीक है, एक मिनट, नेट ही स्लो है एकदम, नेटवर्क इधर वाला सही है किधर वाला, प्रशांत ये केबल सही है किस तरफ वाला, चल तो नहीं रहा भाई इसमें, ओके अब हम लोग मूव करेंगे, देखो इधर क्लाउड, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का पॉपुलर होने का रीजन जो सबसे ज्यादा रीजन हुआ, क्या रीजन हुआ, स्टोरेज, सबसे बड़ा रीजन जो हुआ स्टोरेज, स्टोरेज के कारण क्लाउड इसका पॉपुलर हुआ हुआ, और वो तो है लेकिन एक क्लाउड उसमें लग गया कि इंटरनेट का होना जरूरी है, अगर इंटरनेट आपके पास है तो लोकेशन आप कहाँ बैठे हैं, डिवाइस लोकेशन से कोई मतलब नहीं, आप मतलब इंडिपेंडेंटली आप यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, जैसे आज जीमेल आपको खोलना है, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो नेट नहीं था, तो हम लोग जब भी जीमेल अपना खोलते थे कॉलेज जाना पड़ता था, वो भी आधे घंटे के लिए मिलता था, वो भी टीचर कहते थे बंद करो बंद करो बंद करो, आज क्या है आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन पे हो, क्या जीमेल खोल दीजिएगा कि नहीं, पहले नेट भी इतना सुलभ नहीं था, बहुत दिक्कत से नेट मिलता था, तो
तो क्लाउड इसीलिए पॉपुलर हुआ कि नेट की कनेक्टिविटी इंडिया में इजीली हो गई 2004 के बाद। चार के बाद इजीली होने लगी। आप लोग को पहले ये भी मालूम होना चाहिए था कि जैसे मोबाइल फोन पे पहले कॉल आता था तो उसका भी पैसा हम लोग को पे करना पड़ता था, जी आने का पैसा। अगर आपका मोबाइल फोन कहीं से आ रहा है तो यू हैव टू पे मनी फॉर रिसीविंग दैट पर्टिकुलर कॉल। तीन या चार का मिनट लगता था 2003 या 2004 की बात बता रहा हूँ, तीन की बात है, दोनों लोग का 2003 की बात है, 100% आ गया, तीन की बात है कि कॉल आता था तो पैसा आदि आदमी को कॉल आ गया तो लोग इमरजेंसी में घर के लोग करते थे कि अर्जेंट कोई बात है तो मोबाइल पे किया, अदरवाइज लैंडलाइन होता था। 2005 में क्या हुआ, टाटा कंपनी ने टाटा इंडिकॉम आया था 2005 में, तो उस समय टाटा टू टाटा फ्री कॉलिंग हो गई, जितनी आप 24 घंटे टाटा टू टाटा लगे रहेगी टाटा इंडिकॉम की फैसिलिटी है। तो जैसे जैसे 2005 से जैसे जैसे 2005 से ये फैसिलिटी आई थी, सबसे पहले टाटा ने फैसिलिटी लॉन्च की थी टाटा टू टाटा फ्री बात होगी, टाटा इंडिकॉम करके उसमें आता था टाटा इंडिकॉम। उसके बाद क्या हुआ, जब स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम बेचा आराम से, जैसे नेट हमारा जो चलता है बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम मतलब जो आकाश में तरंगे हैं उसकी मदद से हमारा नेट चलता है। जैसे स्पेक्ट्रम का जैसे आप एयरलाइंस की भाषा बात कर दो तो आपका रूट मैप है, रूट मैप मतलब जैसे फ्लाइट दिल्ली से उड़ेगी अमेरिका के लिए तो रूट मैप तय है कि ऐसे ऐसे ही जाना है, इधर में कि इधर भागना है। देखिए पहले पता नहीं, जैसे मोबाइल आया तो पहले मोबाइल था नहीं तो स्पेक्ट्रम की उतनी जरूरत पड़ती नहीं थी, जैसे आज आपका रेडियो चलता था तो स्पेक्ट्रम की मदद से चलता था। लेकिन पहले मोबाइल फोन कितने लोगों के पास था, 2002-2003 मोबाइल की रफ्तार बढ़ी 2005 के बाद थोड़ा बढ़ने लगा, घर में एक लैंडलाइन रहता था उसी से सारे लोग बातचीत करते थे, और 92-93 की बात बता रहा हूँ मैं, 92 की थी, आपके घर में फोन है उसको बुला रहे उसको बुला रहे हैं पड़ोसी को बुलाना पड़ता था 92 में। नहीं तो आप सोचिए टेक्नोलॉजी इसका सिंपल सा टेक्नोलॉजी कैसे भी होल्ड की 21st सेंचुरी में 2000 के बाद हर चीज का रिवोल्यूशन बहुत तेजी से होगा, जैसे आईटी फील्ड में ही 2005-06 के बाद जब देखोगे तो आईटी फील्ड में ही 2005-06 से रिक्रूटमेंट तेज पकड़ा था, आईटी फील्ड में 2005 से रफ्तार बहुत तेज हो गई थी जॉब देने की, 2008-09 में जाकर रफ्तार देख सकते हैं बहुत जबरदस्त ब्रेक लगा था, बहुत जबरदस्त धीरे धीरे आया। जब से क्लाउड आया, क्लाउड बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर फील्ड लेकर आया, जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं यहाँ भी होंगे हर जगह होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग वीक होता है कि नहीं, हर बच्चा मास्टर नहीं होता है, बहुत टॉप क्लास प्रोग्रामिंग है, टॉप क्लास मास्टर है प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या हुआ फिर क्लाउड ने सबको क्लाउड के तरीके से आप ठीक है, आप क्लाउड इंजीनियर आपको अमेजन वेब सर्विसेज का 4 महीने का ट्रेनिंग दे दिया गया, किसी को माइक्रोसॉफ्ट एजोर का दे दिया गया, कोई गूगल क्लाउड का ट्रेनिंग ले लिया, फिर आप जॉब करने लगे। तो क्लाउड में क्या है कि रिसोर्स तो क्लाउड में क्या हुआ, जब आप रिसोर्सेज का जो डिवाइडेशन कर रहे हैं उसका सारा रखना, सारा रिपोर्ट रखना, उसी के लिए बहुत सारा इंजीनियर्स की जरूरत आप पड़ी, उसके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत आप पड़ी, इसीलिए क्लाउड में इंजीनियर की जरूरत इतनी है, इसलिए क्लाउड में आज के डेट में उतनी सारे इंजीनियर की जरूरत
है। आज बड़े बड़े शहरों में डिपार्टमेंट का ब्लॉक बना हुआ है, जैसे दुबई जैसे देश में जब डिपार्टमेंट के ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो वहाँ केवल इंटरनेट बिछाने के लिए तो नेटवर्किंग में क्लिक करने के लिए 10-20 लोग इंजीनियर काम करते हैं। इतने बड़े ब्लॉक बने हुए दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में, ऐसे ऐसे ब्लॉक डेवलप है लोगों के रहने, एक जगह 200 अपार्टमेंट, एक जगह 250 अपार्टमेंट, सिटी बसा हुआ है, वहाँ केवल इंजीनियर है कि आपका नेट कैसे चले, नेट को डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसको मेंटेन किया जा सके। तो आप आज आप एक एक चीज की देखो, जैसे जैसे आदमी रिसोर्सेज को यूज किए जा रहा है हर जगह रिसोर्सेज को, तो उसी तरीके से पढ़े लिखे लोगों की इंजीनियर्स की जरूरत हर फील्ड में आज बढ़ती जा रही है। तो उसी में क्लाउड में इसलिए बढ़ गए कि रिसोर्सेज सब हमने ऑनलाइन कर दिया, रिसोर्सेज सारा चीज हमने ऑनलाइन कर दिया। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमने तुरंत फोन लगाया कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, आप आकर सही करो, आप आकर सही करो। क्योंकि आईटी में आपने पढ़ा होगा, सैट पेपर पढ़े होंगे अंजय सर के द्वारा, पढ़ लिए, उसमें एक चीज आता होगा, सुनो एक चीज आता होगा उसमें, सैट की लाइफ साइकिल में इंप्लीमेंटेशन और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। सैट की लाइफ साइकिल पढ़ो, सिस्टम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें कितने फेज है टोटल, हाउ मेनी फेजेस एग्जिस्ट, फोर फेज नहीं, सेवन, राइट, कौन कौन से फेज है ये बताओ, फोर ही बताओ, मॉडल बताओ, टेस्टिंग सबसे लास्ट वाला तुम पहले बोल रहे हो, कौन कौन सा है मेरी बच्ची बता रही हूँ सर, लेकिन सीक्वेंस में याद नहीं, एनवायरनमेंट टेस्टिंग मेंटेनेंस, उसके बाद सर ओडीएम एवासिस ओडीएम वन ऑफ द फुल असर एसएलसी के फेज बताओ, पहला एनालिसिस होगा भाई, कंपनी जॉब उसका ही सब चीज हो सकता है, तो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में टास्क दे दे इंट्रो, तब फर्स्ट होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसमें होगा इसके अंदर पार्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड पॉइंट इसके अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फर्स्ट पार्ट है एसडीएलसी का, उसके अंदर होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड होता है डेटा को हम लोग गैदर कहाँ से करते हैं, डेटा को हम लोग इकट्ठा कहाँ से करते हैं, डेटा को कहाँ से करते हैं, डेटा को अगर हमें गैदर करना है सॉफ्टवेयर को छोड़ दीजिए, ऐसे भी किसी चीज के बारे में हमको डेटा को गैदर करना है कहाँ से ला सकते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन ब्रिंग द डेटा, आपका टेक्स्ट बुक से डेटा नहीं आता, इमेज डेटा नहीं देता, ग्राफिक्स डेटा नहीं देता, एनिमेशन नहीं देता, वेब एप्लीकेशन नहीं देता, एवरीबॉडी इज अ सोर्स ऑफ डेटा। इस क्लास में ये बताओ कि कितने लोगों ने महात्मा गांधी को देखा है,
उसी फोटोज के हम लोग कहते हैं कि काली ऐसे होंगे लेकिन बहुत लोगों ने इस क्लास में शायद इंदिरा गांधी को किसी ने देखा होगा, राजीव गांधी को भी नहीं देखा होगा, लेकिन राहुल गांधी को राहुल गांधी को आप देखे हैं, लेकिन बाकी लोग का इमेज तो आपके दिमाग में थ्रू इमेज आता है। आप लोगों ने क्या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एबेकस देखा किसी ने? डेटा हम लोग मल्टीपल, देखो डेटा हम लोग मल्टीपल सोर्सेस से गैदर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है? रिक्वायरमेंट आपके पास बहुत सारा आ गया, आपने जब गैदरिंग की तो काफी चीजें जमा हो गई, काफी रिसोर्स जमा हो गया, लेकिन आप क्या एक्चुअल में यूज करोगे? आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, मल्टीपल वेबसाइट खुल जाती है, क्या सबको यूज कर लेते हो? जब कोडिंग आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे बनाने जा रहे हो तो एक स्टैक ओवरफ्लो वाली वेबसाइट हर बार खोलोगे आप लोग, कौन सा कोड को हाँ चिपकाया जाए, कट कॉपी पेस्ट करके क्या लगाया जाए। तो जो एक्चुअल चीज है उसको हम यूज करेंगे, अदरवाइज बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे, बाकी चीजों का यूज नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद? बोलने तो हम लिख देंगे सेकंड टेस्टिंग होगा जी, एसडीएलसी का फिजिबिलिटी स्टडी क्या फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है एचडीएलसी मतलब वो पेपर ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन सर ये मतलब 2-3 दिन से हो रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन भी हो सकता है हम समझ जाएंगे प्रॉब्लम आपकी लेकिन ऑफलाइन 2-3 दिन से सर ये चेक करना रहेगा क्या क्या बताओ डिजिटल सिक्योरिटी वगैरह चेक करना कि जी देखिए स्टेट सर क्या वो नहीं बता लेकिन क्या 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 उसे बता सकते देखो फिजिक देखिए स्टडी क्या होता है दो प्रकार के सिस्टम होते हैं एक जो सिस्टम जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं जिस वेब एप्लीकेशन पे या जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर पे उसको बोलते हैं प्रेजेंट सिस्टम और करेंट सिस्टम फास्ट हो जाएगा प्रेजेंट सिस्टम और करेंट सिस्टम ध्यान दो इधर बता नहीं पाते और हंस रहे हो सब और एग्जिस्टिंग सिस्टम जो सिस्टम पे अभी काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट सिस्टम जिस सिस्टम जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे प्रेजेंट सिस्टम या करेंट सिस्टम या एग्जिस्टिंग सिस्टम और जिसको बनाना है जो नया सॉफ्टवेयर हमें बनाना है उसको क्या बोलेंगे उत्सुक हो तुम्हें बताओ कि जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे जो सॉफ्टवेयर हम नया बनाने जा रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को हमें डेवलप करना है उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं आईटी की भाषा में पढ़े होंगे प्रेजेंट है जो अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट या करेंट या एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में है इसको बनाना है उसको क्या बोलते हैं मतलब जो भविष्य में बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर उसको क्या बोलेंगे जाओ बैक क्लास के बाद में बताते हो दुखद बात उसको बोलते हैं प्रोपोज्ड या प्रोपोज्ड PROPOSED प्रोपोज्ड सिस्टम या
प्रोपोर सिस्टम या कैंडिडेट सिस्टम या कैंडिडेट इसको बनाना है, वो बनेगा है? तो देखो आप देखिए स्टडी क्या करते हैं कि वी आर स्टडिंग द प्रेजेंट सिस्टम, वी आर स्टडिंग द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम, वी आर स्टडिंग द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम, वी आर स्टडी द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन द प्रेजेंट सिस्टम, वी डू एनालिसिस ऑफ ऑल द पैरामीटर्स। तो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है तो क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, सबको हम लोग एनालिसिस करने का काम करते हैं। उसके बाद उन चीजों को जो प्रोपोज सिस्टम है या कैंडिडेट सिस्टम है उसमें उसको हम दूर करने का कोशिश करते हैं। जब आप प्रेजेंट सिस्टम में क्या ड्रॉबैक है, क्या शॉर्ट कमिंग्स, उसको जब तक नहीं जानिएगा तो फ्यूचर में जो बनाइएगा तो क्या उसमें कैसे सुधार कीजिएगा। जब आप पुरानी चीजों को समझिएगा ये कमी थी तब ना सुधार सकते। तो सॉफ्टवेयर टीम जब बनाती है, जैसे आप एमएस वर्ड का हो रोज नया वर्जन आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज का रोज वर्जन आता है कुछ समय के बाद, तो पुरानी जो शॉर्ट कमिंग्स होती है उसको उस नए वर्जन में हटाने का कोशिश किया जाता है। तो फिजिबिलिटी क्या है कि वी हैव टू स्टडी ऑफ प्रेजेंट सिस्टम एज वेल एज प्रपोज सिस्टम। प्रेजेंट सिस्टम की सारी शॉर्ट कमिंग, सारी अच्छाइयां जानना है, सारी कमियां जानना है, और कैंडिडेट सिस्टम में जो कमी है उसको दूर करने का काम करना है। फिजिबिलिटी स्टडी कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी देखा है ना। उससे पूछे वो बोला है कि टाइप बताइए सर। रईस टेक्निकल इकोनॉमिकल ऑपरेशनल बिहेवियरल टेक्निकल क्या है मालूम है, बच्चियों में कोई देखो जरा। हाँ इसका नाम क्या है टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, एक मिनट, जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने जा रहे हैं वो कितना कंपेटेबल है हार्डवेयर के साथ। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे, सिंपल सी बात सोच लो, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो 16 GB और 32 GB रैम से नीचे वो चलेगी नहीं। क्या एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके लिए मिनिमम 16 GB रैम हो तो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर फेल करेगा कि पास करेगा, क्या होगा, यूज कम होगा तो मार्केट से पैसा कहाँ से आएगा, जब तक कुछ नहीं करेंगे लोग तो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा। अब व्हाट्सएप ही एक एप्लीकेशन बनाई कंपनी ने, उसको इतना एप्लीकेशन लंबा करते था कि उसके लिए 6 GB रैम चाहिए था, तो क्या एप्लीकेशन इतना सक्सेस करता जितना शिक्षा पूलर से लेके स्टूडेंट से लेके सब लोग यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप। हम तो पैसा नहीं है जियो वाला इंटरनेट के लिए, और तुम जब भी यूज कर रहे हो व्हाट्सएप तुमको कोई अर्ली या मंथली को पेमेंट नहीं करना पड़ता, व्हाट्सएप कैसे कमाता है पूछिए। सब जगह डेटा पैक हर कंपनी का कनेक्शन एक दूसरे से है। आज आप सोचते हैं कि हम एक टीवी पे देखते हैं
250 महीना देते हैं, सैकड़ों चैनल जुड़ा हुआ है, सब जगह सेट है कटअप। डिजिटल मार्केटिंग क्या है व्हाट्सएप पे सब कंडीशन नहीं, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं आया कुछ, मतलब जियो से ऐसे नहीं होता होगा, प्रचार होता है किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, इसको पता हम कैसे बता दें। ओके यह ध्यान दो कि जब लिखे स्टडी टेक्निकली हम बता दें, बात करना टेक्निकल का मतलब कि आपने सॉफ्टवेयर एक ऐसा बनाया जो हर एप्लीकेशन में हर कंप्यूटर उसको, हर कंप्यूटर सिस्टम उसको सपोर्ट कर दे। ऐसा सॉफ्टवेयर आपने बना दिया कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत कायदे से चल रहा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चलना ही बंद कर दे, पॉपुलर होगा। तो जब तक आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो प्लेटफॉर्म इंटरऑपरेबिलिटी को नहीं सपोर्ट कर पा रहा है। प्लेटफॉर्म इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब सॉफ्टवेयर चाहे लिनक्स पे डेवलप हुआ हो तो विंडोज पे भी आराम से चल रहा है, विंडोज भी जो डेवलप हुआ हो तो लिनक्स प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है, मतलब लिनक्स पे डेवलप हुआ एंड्रॉइड पे चल रहा है, एंड्रॉइड पे डेवलप हुआ मल्टीक्स पे चल रहा है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे वो सॉफ्टवेयर क्या है, टेक्निकल फिजिबल, बहुत अच्छा है, ठीक नहीं। दूसरा क्या बताए थे तुम, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ये हुआ कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे आपने आपकी एक कंपनी है, आपने सॉफ्टवेयर बनाने का लिया कि हम 20 करोड़ में उस सॉफ्टवेयर को बना देंगे। एक ERP सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके लिए 20 करोड़ रुपया कंपनी ने डिमांड की, उस सॉफ्टवेयर को बनने में लगभग 2 इयर्स लगेंगे, काफी लार्ज स्केल का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को बनने में कितने इयर्स लगेंगे, 2 इयर्स। सॉफ्टवेयर बनना है पाइथन पे, एक मिनट, सॉफ्टवेयर बनना है किस पे, पाइथन पे। तो पाइथन पे सॉफ्टवेयर बनना है, डेटाबेस होगा SQL सर्वर, डेटाबेस होगा SQL सर्वर, फ्रंट एंड होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी है। पाइथन के मान लेते हैं कि 60 बंदे काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे, 60 पीपल, और सबकी सैलरी एवरेज अगर निकाल दिया जाए तो सबकी सैलरी लगभग 50 महीना है, 50K पर मंथ, तो कितनी सैलरी हो गई इसकी, 30 लाख। SQL सर्वर पे 12 लोग काम कर रहे हैं, इनकी भी 60,000 महीना है, तो 7.20 7,20,000। फ्रंट एंड पे 4 से 5 लोग रहते हैं, ज्यादा नहीं, 5×50 40 कर दीजिए, फ्रंट को कम मिलता है 2 लाख, लगभग 40 हो गया। फिर कंसल्टेंट रहते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सब लेते देते आपको खर्च कितना आ गया, 50 लाख पर मंथ। कितना खर्च आ गया, 50 लाख पर मंथ। आपको टाइम कितना लगेगा, 2 साल। कितना खर्च बैठ गया, प्रोसेस क्या होता है बताते हैं। आपके पास अगर बीट लगा, जैसे बड़ी कंपनियों के लिए बीट लगती है, बड़ी कंपनियों के लिए दिक्कत नहीं, जिनका मार्केट में बहुत बड़ा नाम है उनके लिए दिक्कत नहीं है। छोटी कंपनियों में बड़ी कंपनी दिखा के भी पैसा आपसे ले लेंगे, बढ़िया ये है वो है, आपसे पैसा प्रोजेक्ट का
टाटा या डालने वाला कम में कर दिया, कम प्रॉफिट लिया कोई कंपनी। प्राइस जैसे हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, इसमें सैलरी ही जितना ही प्रोजेक्ट है तो सैलरी मेरा लग जाएगा 30 करोड़। तो कोई भी कंपनी 30 से कम नहीं लेगी, 32, 34, 35, 36, 40, 50 मिल जाए तो अच्छा है क्या। तो बहुत कंपनी होती है कि ठीक है भाई, वो तो सैलरी कितना देता है डेवलपर को वो एक अलग, उसके बाद और क्या देता है उसका मिसलानियस आपके इलेक्ट्रिसिटी एसी ये ए टू जेड, उसके बाद आपका लंच होता है जैसे कंपनी में रेगुलर पार्टी जो कि एक मॉड्यूल बन गया डेटाबेस का पार्टी, फिर एक मॉड्यूल तैयार हो गया फिर पार्टी। तो पैसा कहाँ से लाएगा जब खर्च करेगा आपके तो क्लाइंट से लेगा ना एक चीज, तो सब पैसा जोड़ा जाता है ए टू जेड, पैसा जोड़ा जाता है टूरिंग का घूमने का टहलने का एक पैसा उसमें जोड़ा जाता है आपका। अगर क्लाउड से रिसोर्स आपने ले रखा है, मतलब अगर आप 60 बंदे पाइथन पे काम कर रहे हैं, 60 बंदे का सिस्टम है क्लाउड से किराए पे, तो उसका चार्ज कहाँ से आएगा, सिस्ट आएगा जिसमें आपका डेटा मतलब सॉफ्टवेयर ही क्लाउड से ले रखे हैं आप, उसका पैसा देना होगा। इतना भी ज्यादा खर्च नहीं होता है कंपनी को, कंपनी देखो होता क्या है, कंपनी झूठ बोल के कहेगी कि इसमें जैसे हम बोले 60 वहां दिखाएगी 150 लोग लगेंगे, एक्चुअल काम करेंगे 60 लोग, कंपनी लिखेगी कि 150 लोग इस पे काम करेंगे, वहां दिखाएगी फ्रंट एंड में है एक्चुअल में है 10 लोग, वहां दिखाएंगे 30 लोग। और एक देखो जब रेगुलर प्रोजेक्ट बनने लगता है कहीं भी सर तो आपको एक रफ आइडिया हो जाता है, जैसे आप जो एग्जाम दे रहे हो थर्ड ईयर में आपको पता है कैसे पास कर जाता है, फर्स्ट ईयर का बच्चा को धक धक करेगा लेकिन तुम लोग को कुछ असर क्योंकि आदत हो गया उस चीज से कैसे इससे पार पा जाना है। तो इसीलिए जो कंपनी में जो इसमें होते हैं जो एनालिस्ट होते हैं इस काम को एनालिस्ट करते हैं, इसमें बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में पैसा निकलवाने का क्लाइंट एक लोग का काम होता है, जो कि सैलरी कोशिश वगैरह में इतनी होती है सालाना क्योंकि आपको क्लाइंट को किसी तरीके से मोल्ड करके बिजनेस को अपने क्लाइंट को आपको मोल्ड करना है, जो भी आप बोलते हैं थोड़ा सा भाषा सही नहीं है लेकिन मेन बात वही है जो सर कहने का, क्लाइंट को कैसे हम मैनेज करें, क्लाइंट को कैसे मैनेज करें, बस सिंपल सी बात है। और इसमें बिजनेस एनालिस्ट आपको टेक्निकल जरूर बेसिक टेक्निकल आना चाहिए, ज्यादा नहीं बेसिक टेक्निकल तो आना ही चाहिए, एकदम आपको मिल रही है तो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद क्या करिए टेक्निकल इकोनॉमिकल फाइनल होने के बाद उसका पेमेंट चलता है, डिजाइनिंग का डिजाइनिंग जैसे एनालिसिस और डिजाइन के बीच फाइनल होता है लगभग पूरा पेमेंट फुल पेमेंट बोल नहीं। अरे ऐसे क्या कंपनी पे पूछ सकते हैं 20% 10% 10% 10% आधा प्रोजेक्ट के बाद 75% पार किया तो 90% थोड़ी हो सकता है मैं इतना आसानी से हो जाए। तो उसमें होता क्या है सब चीज ऑन पेपर होता है, सर्विस ऑफ एग्रीमेंट उसको बोलते हैं जो बनता है। अगर आपका काम हो गया उससे कंपनी को ज्यादा कमाई नहीं होती, आप सॉफ्टवेयर बना के पास देंगे सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस से कमाई है तो पैसा हर साल आते रहता है। कितना देता है साल में कोशिश को है पता कितना देता है साल में 200 करोड़ में 2 करोड़ में क्या होगा
200 करोड़ केवल मेंटेनेंस के लिए। ऐसा इंफोसिस करीब 90-95 संस्था से जुड़ा हुआ है केवल मेंटेनेंस के लिए। उसको 20,000 करोड़ साल में मेंटेनेंस से आता है करीब इंफोसिस। ईसीएस को करीब आता है 22,000 करोड़ मेंटेनेंस से केवल। नया सॉफ्टवेयर उतना बनता नहीं ना है। नया सॉफ्टवेयर जैसे फिनिकल बन गया पंजाब बैंक का, तो रोज थोड़ी चेंज होगा फिनिकल। फ्रेमवर्क है, इंटरफेस है जिसके थ्रू आप डेटाबेस में घुसते हैं बैंक के। आप जैसे आज काम करना चाहते हो, आप कैसे कोई फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, तो ऑनलाइन फॉर्म में आप भरते हो तो फॉर्म भरते हो उसी तरह बैंक का सब डेटा, आपका डेटा कहाँ रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखता है फिनिकल। फिजिबिलिटी स्टडी तीन प्रकार, तीन चार प्रकार की होती है, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, बिहेवियरल और क्या बोला था, ऑपरेशनल, लीगल। लीगल फिजिबिलिटी, लीगल का क्या मतलब हुआ कि जो डेटा आप यूज करते हो वो वैलिड है क्या नहीं। अगर नहीं तो फिर सामने वाला क्लाइंट आपसे केस कर देगा कि आप कैसे गलत तरीके से मेरा डेटा चोरी कर दिए। आईटी कंपनी बहुत चलता है। उसके बाद लीगल सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो या नहीं, सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो लीगल है या नहीं, लाइसेंसी है या नहीं, नहीं ऐसा नहीं कि गलत तरीके का सॉफ्टवेयर आप यूज किए जा रहे हो, वो चीज नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपका बना बनाया सॉफ्टवेयर पे पानी फेर देगा सामने वाली कंपनी का, तो करोड़ों का नुकसान एक सेकेंड में होगा। लाइसेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी, क्लाउड से सब खरीद नहीं सकते, सच्चाई है, खरीदना इतना आसान नहीं, इतना कॉस्टली हो चुका। क्लाउड से ले लीजिए, जो सॉफ्टवेयर आपको 80,000 एक बार खरीदने लगे और 10,000 रुपया साल में रेंट देगा। कहाँ जाना है आसिम? टाइम हो गया है, कितना बजे बताओ? 5:00 बाकी है। क्या कंजेस्टेड है, वहाँ मजा आएगा, जाने में दिक्कत हो रही है। ओके कोई बात नहीं।